गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमएस रंगकारी पब्लिक स्कूल। जैसा कि बच्चों, मैंने कक्षा 6 की जो आपकी व्याकरण की पुस्तक थी, जिसका पहला अध्याय था भाषा एवं व्याकरण, तो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, भाषा में क्या क्या सम्मिलित है, भाषा क्यों पढ़े हम, भाषा से क्या क्या होता है, भाषा की जरूरत क्या पड़ती है। तो बच्चों, आज मैं बता रहा हूँ कि लिपि क्या होती है, लिपि की परिभाषा क्या होती है। तो बच्चों, मौखिक भाषा को बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों की व्यवस्था को हम लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं। आइए विश्व के कुछ प्रसिद्ध भाषाओं एवं उनके लिपियों से आपको मैं परिचय कराता हूँ। यानी कोई भी भाषा है विश्व की बच्चों, तो वो किसी ना किसी लिपि में लिखी जाती है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हिंदी एक भाषा है, यह देवनागरी लिपि में लिखी गई है। संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी गई है। नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी गई है। मराठी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू अरबी में, बंगला में, फ्रेंच रोमन में, जर्मन रोमन में। विशेष उर्दू को छोड़कर संसार की सभी भाषाएं बाईं ओर से दाईं ओर की ओर लिखी जाती है। तो बच्चों, कोई भी भाषा है दुनिया का, विश्व का कोई भी भाषा है जो हर जगह बोली जाती है, वो किसी ना किसी लिपि में लिखी गई है। उसके बाद से जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं। तो बच्चों, व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें उन नियमों का संग्रह होता है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने, समझने में सहायता प्रदान करते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों, अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं आस्था गीत गा रहा है, तो व्याकरण की दृष्टि से यह एक अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? आस्था गीत गा रही है, क्योंकि आस्था एक लड़की का नाम है, तो उसके लिए गा रही है सही होगा, शुद्ध वाक्य होगा। तो बच्चों, विश्व की प्रत्येक भाषा का अपना एक अलग व्याकरण होता है। इसके नियमों को अच्छी जानकारी होने पर ही भाषा को शुद्ध रूप में बोला, लिखा और समझा जा सकता है। यानी बच्चों, हम कह सकते हैं कि अगर व्याकरण की सही जानकारी ना हो, तो हम किसी भी भाषा का सही परिचय या सही उस भाषा का निर्धारण या उसको सही भाषा में नहीं बोल सकते हैं। शुद्ध भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को प्रभावित करता है, उनको समझता है, उन पर प्रभाव डालता है। जो आप भाषा का उपयोग किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, तो पता चलता है कि आपको भाषा का जानकारी सही है, आप शुद्ध बोल रहे हैं कि अशुद्ध बोल रहे हैं। तो बच्चों, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि व्याकरण किसी भी भाषा के लिए बहुत जरूरी है सीखना। तो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि व्याकरण के अंग कितने होते हैं। तो बच्चों, मैं बता रहा हूँ कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो चलिए बच्चों, मैं बता रहा हूँ कि वर्ण विचार क्या होता है। तो बच्चों, किसी भाषा को बोलने के लिए हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं। वर्ण सबसे छोटी ध्वनि है, अतः व्याकरण के जिस भाग में हमें वर्णों के विषय में विचार करते हैं, उसे वर्ण विचार कहते हैं। सेकेंड जो आपका अंग होगा व्याकरण का बच्चों, तो वो होगा शब्द विचार। जब हम 2 या 2 से अधिक वर्णों का आपस में जोड़ते हैं, तो उनसे शब्द बनता है। व्याकरण के जिस भाग में हम शब्दों के विषय में विचार करते हैं, उसे शब्द विचार कहते हैं। तीसरा जो व्याकरण का अंग है बच्चों, वो है वाक्य विचार। भाषा में ध्वनियों वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों को उचित क्रमबद्धता, विरामा आदि का प्रयोग, वाक्य की बनावट और उसके भेद का प्रयोग करके जो वाक्य बनता है, व्याकरण के जिस भाग में हम वाक्यों के विषय में विचार करते हैं, उसे वाक्य विचार कहते हैं। तो बच्चों, मैंने आज आपको बताया कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण की जरूरत क्या पड़ती है, व्याकरण के अंग कितने होते हैं। तो मैं आशा करता हूं बच्चों कि आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसको अपने नोटबुक में लिखिएगा और इसे याद करिएगा। थैंक्स।